हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मौर्या स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रसायन क्लासेस में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंप के बारे में कि पंप क्या होता है, ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज जितने भी टाइप्स के पंप होते हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं पंप क्या होता है। तो पंप की डेफिनेशन की बात करें तो पंप एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एक्टिंग मतलब यांत्रिकी क्रिया द्वारा किसी भी फ्लूड या स्लरी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। ठीक है, जनरली जो पंप्स होते हैं वो किसी फ्लूड के को मूव कराने के लिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से ले जाने के लिए वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन अगर आप लोग लिखना चाहें तो देखिए लिख लीजिएगा। देखिए क्या होता है, पंप इज ए मैकेनिकल डिवाइस दैट मूव फ्लूड्स और लिक्विड। फ्लूड्स मतलब आप समझ रहे होंगे, फ्लूड्स मतलब लिक्विड या गैस। ठीक, फ्लूड्स या स्लरी। ठीक, From one place to another place by mechanical acting. ठीक, generally it is convert mechanical energy into hydraulic energy to move fluids. मतलब देखिए क्या है कि pump is a mechanical device. Pump क्या है, एक mechanical device है by mechanical acting, जो mechanical acting के द्वारा किसी भी देखिए move fluids और slurry, मतलब किसी fluids या slurry को one place to another place मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, जनरली क्या है कि ये कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में जिससे फ्लूड्स मूव को होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। अब देख लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। तो पंप देखिए बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप होता है और दूसरा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या इसे डायनामिक पंप भी कहते हैं। तो ये क्या है, पंप को कैटेगराइज किया गया है, दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। इनके दो कैटेगरी होती हैं, उनमें कई टाइप्स के पंप होते हैं वो बता रहे हैं। देखिए जैसे पहला जो होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स, मतलब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स में कौन कौन से पंप आते हैं वो देखिए। तो इसमें क्या है कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप के भी प्रकार होते हैं। और दूसरा क्या होता है, रोटरी पंप्स आते हैं, मतलब ये दो इनके टाइप्स हैं। अभी ये भी एक प्रकार से कैटेगरी ही हैं, इन कैटेगरी में अलग अलग पंप्स आते हैं। तो जैसे देखिए क्या है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में क्या क्या आते हैं, जैसे रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में एक पिस्टन टाइप होता है, एक प्लंजर टाइप होता है। अभी आगे आपको हम बताएंगे पिस्टन क्या होता है, प्लंजर क्या होता है। और दूसरा जो होता है डायफ्राम पंप होता है, डायफ्राम पंप में एओडी पंप आता है, एयर ऑपरेटिंग डायफ्राम पंप होता है। ठीक है, तो इसको भी हम बताएंगे अभी क्या होता है, एओडी पंप होता है। फिर दूसरी कैटेगरी इसकी क्या होती है, रोटरी पंप्स। अब रोटरी पंप्स में क्या क्या आते हैं, गियर पंप आता है, स्क्रू पंप और वेन पंप। ये तीन प्रकार के पंप्स होते हैं रोटरी पंप्स में। अब ये जितने टाइप्स के आप पंप पढ़े, जैसे पांचों प्रकार के जो आप पढ़े हैं, ये टोटल किस में आते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप में आते हैं। इस कैटेगरी में ये सब पंप आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या डायनामिक पंप। ठीक, इसमें क्या आता है, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या होता है, फ्लो के अकॉर्डिंग एक एक्सियल फ्लो होता है, एक मिक्स्ड फ्लो होता है। एक्सियल फ्लो पंप होते हैं, मिक्स फ्लो पंप होते हैं। और दूसरा एक होता है, एक स्पेशल टाइप पंप होता है, इसमें जेट पंप और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पंप आता है। अब इन सबों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंप है। आप किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो लगभग 90% अगर वहाँ पे पंप यूज हो रहा है तो 90% सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही यूज किया जाता है, क्योंकि ये जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट इफिशियंट होते हैं। और इनके अगर हाई मतलब बहुत ज़्यादा दूरी तक या बहुत हाइट तक अगर हमें कोई स्लरी या कोई फ्लूड लिफ्ट करना हो तो उसके लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप काफ़ी यूजफुल होते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप बहुत लगभग सभी जगहों पर यूज होते हैं। और ये किस कैटेगरी में आते हैं, नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप या डायनामिक पंप के कैटेगरी में ये सब आते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके सभी पंप के बारे में बता देते हैं। जैसे अभी रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में ले लेते हैं। अगर आप इसको समझ गए हो तो स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक, इसे मिटा देते हैं हम। ठीक, तो अब रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में देख लेते हैं। देखिए रेसिप्रोकेटिंग पंप में जैसे अभी आपको हम बताए हैं, एक पिस्टन टाइप होता है और एक प्लंजर टाइप होता है। तो पहले पिस्टन टाइप देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसकी ऐसे कंस्ट्रक्शन होती है, इसमें देखिए एक सिलेंडर होता है, ये एक सिलेंडर होता है, इसमें एक पिस्टन लगा रहता है। ठीक है, ये पिस्टन है, ये जो आप देख रहे हैं पिस्टन है, और ये पिस्टन रॉड है, और एक ये पिस्टन रॉड जो होता है एक कनेक्टिंग रॉड के थ्रू इस क्रैंक से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे जो रहता है ये
रोटेट करता है, ठीक है, ये रोटेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये मैकेनिकल सोर्स के थ्रू इसे हम रोटेट कराते हैं, ठीक। और यहाँ पे इसका ये सक्शन है, ये डिलीवरी है। सक्शन में देखिए कि यहाँ पे सक्शन वाल लगा है, जो NRV होता है, नॉन रिटर्निंग वाल होता है, और ये ऊपर भी एक सक्शन डिलीवरी वाल होता है जहाँ पे नॉन रिटर्निंग वाल ये भी होता है, NRV होता है, ठीक है। तो कैसे वर्क करता है ये देखिए, क्या होता है इसमें, जब ये रोटेट करता है तो ये पिस्टन आगे पीछे मूव करता है, ठीक। ये जब आगे, पहले देखिए, अगर ये जब पीछे की ओर जाएगा, पहले मान लीजिए इस कंडीशन पे है, और जब ये पीछे गया, ये जब पिस्टन इस साइड पीछे खींचा, तो क्या होगा कि इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा। जब इसमें वैक्यूम क्रिएट होगा तो इधर से NRV ऐसा अरेंजमेंट रहता है, जब इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है तो ये वाली NRV ऊपर की ओर खुलती है, ये NRV ऊपर की ओर खुलती है। जब ऊपर की ओर खुलेगी तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो लो प्रेशर की वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा, फ्लूड होगा, वो क्या होगा, सक होगा यहाँ पे, ठीक है, इस लो प्रेशर जोन में जाएगा। और जब ये सक हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये आगे की ओर आएगा, ठीक है। जब ये फुस करेगा, पिस्टन आगे की ओर होगा, तो ये NRV क्या हो जाएगी, ये NRV बंद हो जाएगी, उस कंडीशन में ये NRV ओपन हो जाएगी, डिलीवरी वाली, ठीक है, डिलीवरी वाली वाल ओपन हो जाएगी, और ये लिक्विड क्या हो जाएगा, इधर डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। यही क्रिया क्या होती है, इसमें ये साइकिल चलती रहती है, आगे पीछे ये पिस्टन होता रहता है, और इसमें क्या होता है, जब पीछे जाता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है, लिक्विड सक होता है, जब आगे आता है तो लिक्विड डिलीवर होता है, ठीक है। ये क्रिया होती है, ये होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप का वर्किंग, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसमें अब थोड़ा ओवरव्यू आपको दे रहे हैं। अब इसमें देखिए, अब दूसरा देख लीजिए, प्लंजर पंप में क्या होता है, प्लंजर पंप का क्या होता है, दोनों का कंस्ट्रक्शन सेम ही होता है, बस इसमें यहाँ पे पिस्टन लगा था, यहाँ पे प्लंजर लगा रहता है। देखिए काफ़ी लंबी रॉड लगी रहती है, ये पिस्टन टाइप ही होता है लेकिन काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये जो पिस्टन पंप होता है इसमें यहीं पे इसके सील लगी रहती है, तो ये फास्टर मूव के कारण सील जल्दी बेकार हो जाती है, और ये ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल पाता, क्योंकि यहाँ पे पिस्टन क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर जब होगा, ज़्यादा प्रेशर से इसे हमें कहीं डिलीवर करना होगा, तो ये टूटने के चांस रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्लंजर में क्या होता है, प्लंजर नहीं टूटता, क्योंकि ये काफ़ी हार्ड होता है, ये देखिए पिस्टन के मुकाबले में काफ़ी लंबा होता है, तो ये काफ़ी हार्ड होता है, तो ये काफ़ी हाई प्रेशर के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसको रेसिप्रोकेटिंग पंप के समझने के लिए आपको सिंपल एक एग्जांपल दें, तो जैसे आप गांव में जो हैंडपंप होता है, जिसे हम पानी निकालते हैं, पानी, वो देखिए हैंडपंप कैसे होता है, देखिए पंप, हैंडपंप कैसे होता है, ये पंप हैंडपंप हो गया, यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ पे ये, इसमें भी ये रहता है, पिस्टन होता है, ये पिस्टन होता है, ये रॉड होता है, और यहाँ से मान लीजिए आप चला रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप चला रहे हैं, ठीक, इसे ऊपर नीचे ऐसे चलाते हैं ना, तो जब ये ऊपर नीचे होता है, जब पिस्टन, और यहाँ पे देखिए जहाँ पे सक्शन होता है, ये सक्शन मतलब जहाँ जमीन से, अर्थ से जहाँ पानी खींचते हैं, यहाँ पे एक, अब अगर आप जो हैंडपम्प होगा उसे कभी खोले होंगे या खुला देखे होंगे, तो यहाँ पे एक चेकवाल लगा रहता है, यहाँ पे एक चेकवाल होता है, ये चेकवाल क्या करता है, NRV का काम करता है। अब इसमें क्या होता है, जब ये ऊपर की ओर जाता है, ये जो पिस्टन होता है ऊपर की ओर जाता है, जब हैंडपम्प चलाते हैं, जब नीचे की ओर दबाते हैं, जब ये इसे नीचे दबाएंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा, देखिएगा, जब ये ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर की ओर उठेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, ठीक है, लो प्रेशर जोन, तो उस कंडीशन में ये जो यहाँ पे चेक वाल रहता है, ये चेक वाल खुल जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, ये जो नीचे से वाटर होता है ये इस लो प्रेशर जोन में आ जाता है, उसके बाद जब इसको आप नीचे दबाते हैं तो ये जो लिक्विड होता है यहाँ से डिलीवर हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में NRV बंद हो जाता है। इस प्रिंसिपल जो हैंडपंप वर्क करता है, ये एक प्रकार का रेसिप्रोकेटिंग पंप ही होता है, ठीक है। तो आप रेसिप्रोकेटिंग पंप समझ गए होंगे और प्लंजर पंप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप, यानी कि डायफ्राम पंप में के कैटेगरी में आता है एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप, इसे AOD पंप भी कहते हैं, ठीक है। अब AOD पंप देखिए क्या होता है, इसमें AOD पंप में ये देखिए एक सक्शन, इसका फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, देखिए एक्चुअल में वैसा होता है। तो इसमें देखिए ये एक बॉडी होती है इसमें, ठीक। अब इसमें क्या रहता है, देखिए दोनों साइड एक डायफ्राम लगा हुआ है, ये डायफ्राम, ये जो रेड कलर से हम दिखाए हैं, शो किए हैं, डायफ्राम रहता है, और इसमें एक एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। इसमें ये जो पंप चलता है, इसमें कोई मैकेनिकल सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें एयर से चलता है, एयर से, इसके नाम से ही देखिए पता चल रहा है एयर ऑपरेटेड डायफ्राम पंप। ये जो किससे चलता है, ये एयर से वर्क करता है। कैसे वर्क करता है देखिए, ये एयर जो होता है यहाँ से इनलेट करते हैं, तो जब ये इनलेट करते हैं तो इसमें ऐसा अरेंजमेंट होता है कि एक साइड क्या होगा, एयर प्रेशर दबाएगा, ठीक है। जब ये प्रेशर मारेगा तो इधर का क्या होगा, ये डायफ्राम क्या होगा, इधर खुल जाएगा, ठीक। इस साइड ये डायफ्राम पंप होगा, मतलब इस साइड दबेगा, जब ये डायफ्राम इस साइड दबेगा तो इधर का क्या होगा, ये डायफ्राम क्या होता है कि इस साइड, इसका जो ये वाला डायफ्राम होता है,
ये इस साइड की ओर आएगा, मतलब इधर खींचेगा तो यहाँ पे पार्शियली वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ पे पार्शियली वैक्यूम क्रिएट होता है। तो ये यहाँ पे देखिए चार एनआरवी लगे रहते हैं, इसमें भी चार साइड एनआरवी लगे रहते हैं। जब इसमें वैक्यूम क्रिएट होता है, ये सक्शन है, तो ये सक्शन से जब ये यहाँ वैक्यूम क्रिएट होता है तो यहाँ एनआरवी खुल जाती है और ये लिक्विड क्या होता है इस रास्ते से होते हुए इसमें फिलअप हो जाता है। फिर जब ये एयर क्या होता है इस वाले डायफ्राम को दाबता है, जब इसको दाबता है जैसे यहाँ पे एयर वेंट लगा रहता है, ये क्या होता है एयर निकलता भी रहता है यहाँ से, ऐसा सिस्टम रहता है। एक बार इधर पंप करेगा एक साइड, एक बार इधर पंप करेगा, जब इधर करेगा तो इधर लिक्विड भर जाएगा और जब इधर ये प्रेस करेगा इस डायफ्राम को तो इधर से जो लिक्विड होगा ये डिलीवर हो जाएगा, यहाँ से डिलीवर हो जाएगा, ये एनआरवी खुल जाएगी, यहाँ से डिलीवर होकर इधर से निकल जाएगा और इस साइड क्या होगा ये वाला जो है डायफ्राम ये इस साइड हो जाएगा, मतलब इधर दब जाएगा और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, फिर इधर लिक्विड आ जाएगा। मतलब ये ऐसे साइकिल चलता रहता है, इधर जब इधर होगा तो इधर लिक्विड फिलअप होगा और जब इधर आएगा तो इस साइड लिक्विड फिलअप होगा, इस तरह से इससे लिक्विड का पंप करते रहते हैं, ठीक है। और इस तो रेसिप्रोकेटिंग पंप तो हो गया, आप बात कर लेते हैं रोटरी पंप के बारे में। तो रोटरी पंप में देखिए सबसे पहले गियर पंप को हम डिस्कस कर लेते हैं, गियर पंप क्या होता है। तो इसमें देखिए गियर पंप का एक कंस्ट्रक्शन है, इसमें देखिए एक केसिंग रहती है, ये गियर पंप की एक केसिंग है और इसमें दो गियर होते हैं, ठीक है, जिसमें एक मास्टर गियर होता है एक स्लीव गियर होता है। ये मास्टर गियर जो होता है ये मैकेनिकल सोर्स से कनेक्ट रहता है जो कि रोटेट कराया जाता है, जिसे ये रोटेट होता है तो दूसरा जो गियर होता है ये फ्री होता है, ठीक है, इसे ये किसी हिसाब से नहीं जुड़ा रहता है, ये फ्री होता है। ये पहला वाला जो गियर मास्टर गियर जब रोटेट करता है तो ये उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्रीली मतलब अपने आप रोटेट करता है, क्योंकि इसमें जो देखिए ये क्या है कि ये गियर है, इसमें गियर टीथ लगा हुआ है, ये क्या है कि गियर टीथ है, ये गियर टीथ है, ये टीथ दोनों को आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। फिगर में आप स्क्रीन पे एक फिगर दिख रहा होगा, उससे आप देखेंगे तो क्लियर होगा। तो ये क्या होता है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा जब मैकेनिकल सोर्स द्वारा, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप फ्री रहता है, क्योंकि तो ये अपने आप रोटेट करता है, ठीक है। तो जब ये रोटेट करता है, ये दोनों जब रोटेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, आप बर्नौली थ्योरम पढ़े होंगे, बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जहाँ पे हाई वेलोसिटी होती है, जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होती है, जो ये वेलोसिटी किसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, ओवरऑल प्रेशर जो होगा वो कम होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई वेलोसिटी से रोटेट करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन यानी कि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ पे जब लो प्रेशर जोन होगा मतलब वैक्यूम क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, इधर जो लिक्विड होगा, यहाँ पे जो लिक्विड होगा जिस पाइप से या जिस जहाँ भी कनेक्ट होगा, जिस सोर्स से जो हमें लिक्विड लिफ्ट करना है, पंप करना है, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर लो होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से लिक्विड सक होकर यहाँ पे आएगा और ये क्या होगा कि इससे होते हुए ऐसे होते हुए कुछ इधर से होते हुए कुछ इधर से होते हुए यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से डिस्चार्ज होता है। इस रोटरी पंप का जो यूज करते हैं, मतलब ये गियर पंप का जो यूज होता है, मोस्ट जो होता है वो हाई विस्कस फ्लूड के लिए यूज होता है, कॉमनली इसका यूज जो होता है हाई विस्कस फ्लूड सच एज ऑयल, पेंट, वर्निश, ETC, मतलब इन सब चीज़ों में इसका यूज करते हैं, ठीक है। अब गियर पंप तो हो गया, अब एक स्क्रू पंप होता है इसमें रोटरी पंप में ही। ये रोटरी पंप क्या कैटेगरी है, इनमें ये सब पंप आते हैं, रोटरी पंप के कैटेगरी में ये सब पंप आते हैं। तो इसमें से गियर पंप हो गया। अब स्क्रू पंप में क्या होता है कि देखिए लगभग सेम कंस्ट्रक्शन होती है। इसमें क्या होता है, ये रोटरी के जगह पे क्या होता है, गियर लगे होते हैं, आपको फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उसमें गियर लगा रहता है। उसमें भी गियर में क्या होता है, एक मास्टर गियर होता है जो कि रोटेट करता है, लंबे लंबे गियर होते हैं, ऐसे गियर होता है, इसमें ऐसे टीथ होते हैं और ये दूसरा गियर होता है, इसमें भी टीथ होता है, दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक। तो जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं तो इसमें एक रोटेट करता है, दूसरा फ्री होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी रोटेट करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग, उसमें भी बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है और लिक्विड सक होके डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। ये तो हो गया गियर पंप और स्क्रू पंप के बारे में। अब बात कर लेते हैं वेन पंप के बारे में। वेन पंप क्या होता है, ये वेन पंप देखिए इसमें ये भी लगभग इसी टाइप का ही है। इसमें क्या है कि एक केसिंग है, ये केसिंग है, इसमें बीच में ये वेन लगे हुए हैं। वेन क्या होता है, एक डिस्क होता है, इसका फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, उससे देखिए क्लियर होगा। ये क्या होता है, एक डिस्क होता है मतलब जो रोटेट करता है, इसे रोटर बोल सकते हैं। और इसमें एक शाफ्ट रहता है, बीच में शाफ्ट रहता है जो किसी मैकेनिकल सोर्स के द्वारा, मोटर हो गया या कोई मैकेनिकल सोर्स, जिससे ये रोटेट करता है। जब ये रोटेट करेगा, ये रोटेट करता है तो ये जो इसके वेन होते हैं ये भी रोटेट करते हैं। तो यहाँ पे भी जब ये रोटेट करते हैं तो ये यहाँ आगे निकला रहता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें देखिए समझ में आएगा।
तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन होता है, यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है, मतलब वैक्यूम क्रिएट होता है, तो लिक्विड सक होता है और इधर से डिस्चार्ज होता रहता है, ठीक है। तो ये इसकी वर्किंग रही। यहाँ पे हम सब जितने भी पंप डिस्कस कर रहे हैं अभी, इनको केवल इनका ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, अलग अलग वीडियो में आएगा, अलग अलग पंप को हम डिस्कस कर देंगे डीपली में उसे, तो अभी इसका ओवरव्यू देख लीजिए। तो अभी ये हो गया वेन पंप के बारे में। अब बात कर लेते हैं जो नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप थे उसके बारे में, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप आता है। तो अब सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, इसको मिटा देते हैं। तो अब सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में देख लीजिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये देख लीजिए। तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का फिगर है। अब इसमें देखिए क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये केसिंग है इसकी, बाहर कवरिंग होती है, केसिंग होता है, ये सपोर्ट होता है इसका, ये सपोर्ट होता है। और इसमें देखिए ये क्या है कि ये इसका सक्शन लाइन है, इसका सक्शन लाइन है, इस सक्शन लाइन में एक फुटवाल लगा रहता है, ये फुटवाल एनआरवी का काम करता है। और उसके नीचे एक स्ट्रेनर लगा रहता है। स्ट्रेनर क्या होता है, एक प्रकार का स्क्रीन होता है, मतलब जाली होता है, जो इसके नीचे अगर कोई कचरा या कोई बड़ा पार्टिकल्स होता है तो उसे छान के, मतलब लिक्विड, फ्रेश लिक्विड को ये सक करता है, ठीक है, ये छानने का काम करता है, ठीक। और इसके अंदर देखिए क्या है कि ये इम्पेलर लगा हुआ है, इसके अंदर इम्पेलर लगा रहता है, ठीक। और इम्पेलर के बीच में क्या होता है, ये इम्पेलर आई होती है, ठीक है। ये इम्पेलर कई टाइप्स के होते हैं, तो उसको जब इसका सेंट्रीफ्यूगल पंप का सेपरेट वीडियो बनाएंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप पे, तो उसमें डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के आई होते हैं, या और कितने, मतलब कौन कौन से पार्ट्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के, एसओपी क्या होता है इसका, सब कुछ डिस्कस करेंगे उसमें। अभी इसका इसमें क्या है कि ओवरव्यू डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम क्या बता रहे हैं, पंप के टाइप्स बता रहे हैं, तो उसमें थोड़ा ओवरव्यू बता दे रहे हैं पंप का, ठीक है। तो इसमें थोड़ा बताते हैं आपको, तो इसमें क्या होता है, इंपेलर होता है ये, और ये क्या होता है, डिलीवरी लाइन होती है, डिलीवरी लाइन होता है, इसमें एक डिलीवरी वाल लगा रहता है, ठीक है। तो ये तो इसका पार्ट्स हो गए। अब कैसे वर्क करता है देखिए, जब ये जो इंपेलर होता है ये शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, एक शाफ्ट से क्या हो, वो शाफ्ट क्या होगा, मोटर से कनेक्ट रहेगा या किसी मैकेनिकल डिवाइस से, जिससे ये रोटेट हो सके, ठीक। जब ये रोटेट होता है, जब ये रोटेट होता है मतलब हाई स्पीड में घूमता है, तो जब हाई स्पीड में घूमता है, आपको बताएं अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम, जहां पे प्रेशर मतलब वेलोसिटी यानी कि स्पीड हाई होता है, वहां पे प्रेशर कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई स्पीड होने के कारण इसके आई पे क्या होगा कि लो प्रेशर क्रिएट होगा, यानी कि वैक्यूम क्रिएट होगा, पार्शियली वैक्यूम क्रिएट होता है। तो ये क्या करता है, आई पे जब पार्शियली वैक्यूम क्रिएट होगा मतलब लो प्रेशर जोन होगा, तो इस लिक्विड को क्या करेगा, ये आई सक करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सक होता है तो ये इंपेलर घूमता रहता है, जब ये घूमता है तो देखिए लिक्विड क्या होता है, इधर से बाहर की ओर फेंकते हैं इस केसिंग में, और किस केसिंग से होते हुए इस डिलीवरी के लाइन के थ्रू डिलीवर हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से ये डिलीवर होते रहते हैं। तो ये होता है इसकी वर्किंग। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक एक्सियल फ्लो पंप होता है और मिक्स फ्लो पंप होता है। तो एक्सियल फ्लो पंप में क्या होता है, उसमें देखिए क्या होता है, एक बहुत दूर पे क्या होता है, मोटर लगा रहता है, ठीक है। मोटर और उससे एक शाफ्ट कनेक्ट रहता है, और इस शाफ्ट से प्रोपेलर कनेक्ट रहता है, कुछ इस तरह का फिगर होता है। और इसमें क्या होता है कि यहाँ से सक करता है, इधर से सक करता है, और इधर ये डिलीवर करता रहता है, ठीक है। तो इसका फिगर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कैसे ये वर्क करता है एक्सियल फ्लो, और ऐसे मिक्स फ्लो का भी दिख रहा होगा, मिक्स फ्लो कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप भी हो गया आपका, कैसे वर्क करता है, क्या होता है,